नवरात्र के अवसर पर विधायक गुलाब कमरो माता की भक्ति में लीन है। भरतपुर सोनहत विधायक गुलाब कमरो पर कभी देवी सवार हो जाती है तो कभी विधायक गरबा नृत्य करते व कन्याओं पर का पैर धोते व उन्हें तिलक लगाते हुए नजर आते हैं। हमर बेटी हमर मान यह नारा छत्तीसगढ़ में दो अलग अलग रूपों में नजर आ रहा है। एक तस्वीर नवरात्रि के अवसर पर भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, जहां स्थानीय विधायक व सरगुजा आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गुलाब कमरो देवी रूपी कन्याओं का पैर धोकर समाज में महिलाओं व कन्याओं का उच्च स्थान होने का संदेश दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मनेन्द्रगढ़ विधानसभा के कांग्रेसी विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल पुरानी परंपराओं का हवाला देकर अपनी पत्नी व महापौर चिरमिरी कंचन जायसवाल के साथ महिलाओं से अपना पैर धुलवाते नजर आ रहे हैं। दोनों वीडियो के सोशल मीडिया में वायरल होते ही भाजपा नेत्री डॉक्टर रश्मि सोनकर ने डॉक्टर विनय जायसवाल के कृत्य को परंपरा के नाम पर महिलाओं का अपमान बताया है। कुछ दिन पहले मनेन्द्रगढ़ के जो विधायक है डॉक्टर विनय जायसवाल जी, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो अपनी पत्नी जो कि चिरमिरी की मेयर है उनके साथ एक वार्ड में भ्रमण करते हुए जाते हैं और उस वार्ड की जो महिलाएं हैं वह डॉक्टर विनय जायसवाल जी के जो है वो चरण को धोती हुई नजर आती है। इसमें कहीं ना कहीं ये रूढ़िवादी परंपरा का निर्वाह है। अगर विधायक जी में थोड़ी सी नैतिकता होती तो वो चरण धोने के बाद उन्हीं जो नारी शक्ति है उन्हीं देवी शक्तियों का वो चरण स्पर्श करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया जो रूढ़िवादी परंपरा को दर्शाता है। ठीक उसी अगर हम दूसरे एक इन्हीं की पार्टी के एक दूसरे विधायक की बात करें गुलाब कमरो जी, जिनका आज एक वीडियो वायरल हुआ है जहां पे वो देवी के रूप में नौकन्या के रूप में जो कन्याओं का जो है वो खुद चरण को वो धो रहे हैं, जो एक हिंदू संस्कृति और एक हिंदू सनातन परंपरा का जो निर्वाह करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, नारी शक्ति को नारायणी का रूप दिया जा रहा है, वहां इस तरीके का जब हम नारी शक्तियों से अपने चरण धुलवाएं ये बेहद ही गलत है और मैं इसकी निंदा करती हूँ।